नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी, आप सभी दोस्तों का बुंदेली मास्टर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से हम लोग वर्ग दो सामाजिक विज्ञान की कक्षा को चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को बेसिक से एकदम जीरो से शून्य से हम लोग जो है वर्ग दो सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी आज की इस कक्षा से जुड़े और हमारे आने वाले समय में लगातार जो सोशल साइंस की क्लास चलेगी, इससे कंटिन्यू कनेक्ट रहे। तो हम लोग आज जो है क्वेश्चन को देखेंगे सोशल साइंस से संबंधित, क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम का एक लेवल क्या हो सकता है। और चूंकि आज के जो प्रश्न है दोस्तों, वो भारतीय संविधान पर आधारित हैं, आज हम लोग शुरुआत भारतीय संविधान से करेंगे। और प्रश्नों का जो लेवल है, जैसे आप लोग थंबनेल में भी देख रहे हैं कि शुरुआत एकदम जीरो से होगी, आपको शुरुआत जो है यहाँ पर जीरो से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे या कुछ ऐसा नहीं कराया जाएगा जो आपकी समझ से बाहर हो, चूँकि मैं मानता हूँ कि सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाए तो संविधान ना तो बहुत ज़्यादा कठिन विषय है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल विषय है। यदि हम वर्ग दो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे या उसके दृष्टि से अध्ययन करेंगे, तो हालांकि यदि हम किसी और सिलेबस के अंतर्गत और किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब हम सोशल साइंस में आते हैं, जब हम जीएस की क्लास में आते हैं, जीएस के विषय का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। और जो वर्ग दो का सिलेबस है, ये एकदम सरल सिलेबस है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या इसको बहुत बोझ मान के नहीं चलना है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को आपको केवल फ्लो चार्ट के माध्यम से समझना है। यदि आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से हिस्ट्री को समझ लिया, तो समझ लो फिर दुनिया में आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, हिस्ट्री आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री की सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होता है कोई भी डेट याद करना और उसके इवेंट याद करना, और बहुत ज़्यादा होगा तो किसी घटना या किसी राजा का नाम याद करना। और जब आप फ्लो चार्ट के माध्यम से हिस्ट्री को कवर करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। इसी प्रकार से जब ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी पूर्ण तरीके से आपकी आधारित है मैप पर, नक्शा पर, मानचित्र पर। यदि आपने मानचित्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो शायद ज्योग्राफी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पॉलिटी, भारतीय संविधान हमारे सिलेबस का एक ऐसा विषय है जो ना तो किसी मैप पर आधारित है, ना ही किसी फ्लोचार्ट पर आधारित है, यह हमारे देश की वर्तमान व्यवस्थाओं पर आधारित है। और यदि वर्तमान व्यवस्थाओं को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये प्रॉब्लम भी भारतीय संविधान की भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। बचेगा केवल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, इकोनॉमिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कि वो आपको परेशान करेगा। इकोनॉमिक्स से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एकदम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप बहुत आराम से कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट माने जाएंगे सोशल साइंस के अंतर्गत, ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। फाइनली लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करना है। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, जोर से क्लास, जोरदार तरीके से। और आज से हम लोग जो है लगातार इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू अपनी ये सोशल साइंस की क्लास चलेगी। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल दीपांजलि, गुड इवनिंग। तो जल्दी से शेयर करिए। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। एक अनुमान लगाने का प्रयास करिएगा, जैसे जैसे हम तुक्का विधि करते हैं, कुछ लोग तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ऐसा ही तुक्का आप लोग भी लगाने का प्रयास करिए, शायद लगे। और यदि कन्फर्म आपसे बने तब तो फिर बात ही अलग है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान में गढ़ पूर्ति संख्या कितनी है। जो हमारी लोकसभा है, आप जानते हैं कि भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा है हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में जो गढ़ पूर्ति है, गढ़ पूर्ति का मतलब हमारे लोकसभा का कोरम, कोरम कितना होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपसे कोरम के बारे में पूछा गया है, मतलब ऐसे कितने कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए जिनकी उपस्थिति में संसद की कार्यवाही का संचालन कराया जाए, या लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कराया जाए, या राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कराया जाए, ठीक। तो इनकी कार्यवाही का संचालन कराने के लिए हमें कम से कम कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता पड़ती है, ठीक। यदि आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, इसमें दिया गया है संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए दोस्तों, संसद की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो यहां ऑप्शन में दिया गया है लोकसभा में 55 या राज्यसभा में 25 या कुल सदस्य संख्या का 1/10। तीसरा ऑप्शन, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/10, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/3। लास्ट ऑप्शन, राज्यसभा में 55 और लोकसभा में 25। तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/10, याद रखना हमारा इसका आंसर आएगा 1/10, 1/10। ठीक, कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा में जैसे आज देखेंगे तो 545 सदस्य संख्या है, 545 का 1/10 जो है ये आएगा 54.5, इसको हम मान के चलेंगे 55, यानी लोकसभा में 55 कम से कम होने चाहिए। इसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सदस्य का 1/10 आएगा 24.5, तो अबाधा व्यक्ति तो कहीं लाया नहीं जाएगा, इसलिए उसको जो है पूरा कर देंगे 25, तो राज्यसभा में 25। अब आप कहोगे कि सर इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, तो दोस्तों जब हम अनुच्छेद 100 का अध्ययन करते हैं, अनुच्छेद 100 को पढ़ते हैं, तो वहां पर ना तो 55 लिखा है और ना ही 25 लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारे लोक हमारी संसद की गणपूर्ति 1/10 होगी, 1/10 होगी। अब यदि 545 है तो 55 होगी, एक समय 500 थी जब हमारी मूल लोकसभा जो हुआ करती थी 1950 की, उस समय हमारी लोकसभा में सदस्य संख्या कुल 500 हुआ करती थी, तो 500 के हिसाब से उस समय जो है गणपूर्ति लोकसभा में कितनी होगी, 50 होगी। तो ये डिपेंड करेगी लोकसभा की संख्या पर, लोकसभा की संख्या क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र आंसर 1/10 किए हैं, एकदम सही है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल के समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, लोकसभा को उसके कार्यकाल के समय के पूर्व भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत की लोकसभा को उसके कार्य पूरे होने से पहले भी, जैसे हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का माना गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक ही अपने कार्य में रहे, उसके कार्यकाल के पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। ठीक, उसके कार्यकाल के पहले भी जो है उसको भंग किया जा सकता है। तो यदि भंग करना होगा तो हम लोकसभा को भंग कैसे करेंगे? भंग का मतलब होगा कि उसका विघटन कर देना, सभी सदस्यों की छुट्टी कर देना, दोबारा चुनाव कराने की स्थिति में ला देना। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से दोस्तों, किस प्रकार से जो है कार्यकाल को या लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता है, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये समापन किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जा सकता है, या लास्ट ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की सलाह पर किया जा सकता है। एकदम सरल प्रश्न है दोस्तों, एकदम सरल है, और हर कोई इस प्रश्न का आंसर बड़े आराम से कर लेगा। जैसा मैंने कहा भी है कि वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं आएंगे और इतने लो लेवल से भी नहीं आएंगे कि आप उसको बहुत हल्के में ले लो, मध्यम स्तर मीडियम स्तर के क्वेश्चन रहेंगे, और उन्हें आप बड़े आराम से, यदि आपने थोड़ी बहुत भी अध्ययन कर लिया सामाजिक विज्ञान को लेकर के, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे सामाजिक विज्ञान को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व, देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए तीन ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति है, यानी हमारे लोकसभा का यदि समय से पूर्व विघटन करना होगा तो विघटन करने के लिए किस, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा हमारे लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। परंतु अब यहाँ पर ऑप्शन तीन ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति आंसर के रूप में है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या, कि क्या भारत का राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तित्व कर सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को कुछ ही मामलों में, केवल कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर वो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी पावर का यूज करेगा, अपनी कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, अन्यथा की स्थिति में वो सभी कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत
मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा करेगा, अन्यथा की स्थिति में वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। अपने विवेक का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति दो मामलों में करता है। पहला तो तब जब हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और प्रधानमंत्री या लोकसभा में किसी दल का जब स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री बनाने की जब बारी आएगी, प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देना होता है और यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित कर सकता है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा। यहाँ पर लोकसभा को यदि उसके कार्यकाल के पहले समाप्त करना है तो फिर वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी इच्छा को दबा लेगा। दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोकसभा को समाप्त कर सके। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, यस दोस्तों आप लोग पढ़ते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पूर्व, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 75, ठीक इस तरीके से पढ़ा होगा। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री शब्द है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुखिया किसका है, मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का ही मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए मंत्रिमंडल के परामर्श पर या मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति हमारी लोकसभा के कार्यकाल को समय से पहले समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संख्या आप लोगों की बहुत कम हो रही है, संख्या बहुत कम है दोस्तों। गुड इवनिंग अंजलि। संख्या को बढ़ाइए, लगातार शेयर करते रहिए आप लोग, क्लास को भयंकर तरीके से शेयर करो यार, ऐसे शेयर करो ताकि अपने बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत के विद्यार्थी जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें भी लगे कि हाँ भाई इस सोशल साइंस की कक्षा में हमें जोड़ना चाहिए, इस सोशल साइंस की क्लास का हमें भी कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहिए। तो जल्दी से शेयर करते रहिए सभी लोग। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है, तो देखिए हमारे देश में दो बहुत बड़े विधिक पद हैं, कानूनी पद हैं, एक तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AGI कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, ठीक भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी चूंकि भारत के केंद्र सरकार को, भारत के केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, ठीक इसी प्रकार का एक पद अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत भारत में राज्यों के लिए बनाया गया है जिसका नाम है द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक महाधिवक्ता का पद बनाया गया है। इसी प्रकार से केंद्र के लिए आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद बनाया गया है। तो हमारे यहां पर आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता इज राइट आंसर, बिल्कुल तीसरे प्रश्न का आंसर सी बिल्कुल सही है, महाधिवक्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं, भारतीय संविधान को आप लोग पढ़ रहे हो, जहां पर भी कहीं कोई भी डाउट हो आपको भारतीय संविधान से संबंधित, आप अपना कमेंट के माध्यम से तुरंत जो है क्वेश्चन हमारे साथ रख सकते हैं। भारत में मतदान करने की जो आयु सीमा है, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब 21 वर्ष हुआ करती थी, अब मतदान सीमा को घटा दिया गया है और 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हो चुकी है, तो ये ऐसा कब से हुआ है, भारत में मतदान करने की आयु को 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया दोस्तों, और ये काम करता कौन है, आयु को बढ़ाना आयु को घटाना, तो ये सारा काम हमारी भारतीय
पार्लियामेंट का होता है, भारतीय संसद का होता है। भारतीय संसद के पास ये पावर होती है कि वो इस प्रकार के नए नियम बना सके या इस प्रकार का कोई संशोधन कर सके या इसमें कहीं पर सुधार कर सके। तो ये पूरी पावर जो है पार्टी पार्लियामेंट के पास मौजूद है। और इसी संसद ने, जब हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोस्तों 1950 से, यहाँ पर एक कहानी समझिएगा, शायद आप लोगों को ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कभी आप भूल नहीं पाओगे। 1950 में जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग था, ये एक सदस्यीय था और कब तक रहेगा, 1950 से लेकर के 1989 तक हमारे भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्यीय रहा। एक सदस्यीय था। क्या हुआ, हमारी भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया और इसको लागू कर दिया गया था 89 में। इसीलिए कहीं कहीं पर 61वां संविधान संशोधन 89 भी लिखा रहता है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। 1988 में इस संविधान संशोधन को जो है लाया गया था और लागू किया गया था 89 से। तो जब यहाँ पर मतदाता संख्या घटा दी गई, 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दी गई आयु को, तो यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे मतदाता आ गए और बहुत सारे मतदाता आ जाने की वजह से यहाँ पर दोस्तों सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और पहली बार भारत में, पहली बार हमारे भारत में इस आयोग को 1+2 किया गया था, यानी बहुसदस्यीय किया गया था। फिर 1990 में पुनः इसको एक सदस्यीय कर दिया। फिर 1993 में इसको पुनः 1+2 कर दिया गया, यानी बहुसदस्यीय कर दिया, और तब से लेकर आज तक यह आयोग बहुसदस्यीय ही है, ठीक। तो अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, इस वाले ऑप्शन में चूंकि मैंने 88 भी ऑप्शन में रखा है और 89 भी रखा है, तो क्या सही होगा, क्या जो है यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, 88 होगा सही है 89। तो दोस्तों आयु सीमा को घटाया गया कब है ये बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि लागू कब से किया गया, घटाया कब गया, तो आपको आंसर होना चाहिए 88 1988। 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1988 में हुआ था, इस कारण से फोर्थ प्रश्न का हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो शायद हो गया, दोबारा रिपीट हुआ है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है, तो भारतीय संसद को यह अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हुआ, किसने यह अधिकार भारतीय संसद को दिया है, कौन से अनुच्छेद ने दिया है, अनुच्छेद 349 ने दिया है, अनुच्छेद 368 ने दिया है, अनुच्छेद 390 ने दिया है, या अनुच्छेद 351, किसने भारतीय संविधान में संशोधन करने की क्षमता को जो है बढ़ाया है। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहली क्लास से इस वजह से जो है आप लोग इसको आज बहुत कम शेयर कर रहे हैं। शेयर करिए भाई सभी लोग, चलिए कोई बात नहीं। तो यह संजलि का आया, पांचवें का भी बिल्कुल सही है, पांचवें प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनुच्छेद 368 भाग 20, इसमें भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी। अनुच्छेद 349 इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि जो भाषा से संबंधित कुछ कानून हैं उनको अधिनियमित कैसे किया जाएगा, भाषा से संबंधित कानूनों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 349 में निहित है। क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक
भाषा से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर अनुच्छेद 349 में बोला गया है कि वह प्रोसेस जिसके तहत हम भाषा के संबंध में जो कानून हैं उनको अधिनियमित कर सकते हैं, और इसके लिए भी दोस्तों राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रपति तब तक ऐसे किसी कानून को अधिनियमित करने के लिए या उसको जो है मंजूरी देने के लिए कभी भी किसी भी मंजूरी स्वीकृति नहीं देगा जब तक कि अनुच्छेद 344 का खंड एक इस बात की पुष्टि ना करे। यानी जब भी भारत के राष्ट्रपति भाषा के संबंध में कानूनों को अधिनियमित करने की जो मंजूरी संसद को देंगे तो भारत के राष्ट्रपति को चाहिए कि वो अनुच्छेद 344 का खंड एक जरूर देखें, यदि उसमें उस प्रकार की अनुमति है, स्वीकृति है, तो भारत के राष्ट्रपति फिर जो है भाषा का जो आयोग है उस आयोग की अनुशंसा पर ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 इसमें संशोधन करने की पावर दी गई है। हमारी संसद किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 390 दोस्तों इसमें बोला गया है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जहां आपका वर्तमान से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 390 को वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ, क्योंकि संविधान कब प्रारंभ हुआ था, 26 जनवरी 1950, तो यहाँ पर बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 31 मार्च 1951 तक जितना भी वित्तीय लेन देन हुआ, वित्तीय कार्य हुआ, उसके समस्त प्रोसेस को जो है अनुच्छेद 390 में रखा गया और 351 में रखा गया दोस्तों भाषा से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। ठीक, तो ये आपके सभी आर्टिकल हैं और इन आर्टिकल में अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसलिए आपका छठवें प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपातकाल, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति या भारत की संघ राजभाषा, ये किससे संबंधित है दोस्तों। सातवां प्रश्न जल्दी से आंसर करिए। चलिए संविधान का अनुच्छेद 368, चूँकि ये तो एकदम सरल प्रश्न है और अभी हम लोग इसमें चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसका तो आंसर लगभग सभी से बन जाएगा कि संविधान का संशोधन करने की जो है भारत के संसद को शक्ति दी गई, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में तीन प्रकार की हैं, जो लगभग सभी लोग चाहते हैं, है ना, ज़्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है स्टूडेंट की कि वो इस प्रकार की सेवा को प्राप्त करे, IAS, दूसरा IPS और तीसरा IFS। ये तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान में हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं को से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इतने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 313, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 310 दोस्तों, जितने भी लोक सेवक हैं इन लोक सेवकों के संबंध में अनुच्छेद 310 बताता है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कि जो भी लोक सेवक है वो लोक सेवक गवर्नर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत को पद धारण करेगा। अनुच्छेद 311 ये कहते हैं कि किसी की सेवा के समय को या तो कम किया जा सकता है, अनुच्छेद 311 ये
अधिकार देता है गवर्नर को यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल को, सॉरी राज्य के मंत्रिमंडल को, कि वह लोक सेवकों के कार्यकाल को या तो समय से पूर्व समाप्त कर सकते हैं या उनको समय से पहले हटा सकते हैं। अनुच्छेद 312 दोस्तों यही है हमारा आंसर। इसी में जो है राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है, राज्यसभा को ये पावर दिया गया है कि वह भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान कर सकती है, या तो वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी कर सकती है और नई अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त भी कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरुबारी विवाद, गोपालन विवाद, मिनर्वा मिल्स विवाद या केशवानंद विवाद? इनमें से वो कौन सा विवाद है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल संरचना या मूल उसके कॉन्सेप्ट पर जो है अपना निर्णय दिया? बेरुबारी विवाद से या गोपालन विवाद से, मिनर्वा मिल्स विवाद से या केशवानंद? चलिए तो यहां हम लोग ध्यान देंगे कि 1960 में, पहला याद रखना 1960 में, ठीक, एक विवाद आया था दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित जो था वेरुवाड़ी विवाद, वेरुवाड़ी विवाद। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। देखिए इसमें कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन कर पाना संभव नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, भाग भी नहीं है और संशोधन भी नहीं होगा। फिर अपने ही निर्णय को 1973 में इन्होंने पलट दिया और पलटने के बाद केशवानंद वाले मामले में ये कहते हैं कि इसमें भाग, ये हमारे संविधान का अभिन्न भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये दोनों ही मामले 1973 से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1973 का केशवानंद मामला जिसमें मूल संरचना का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसी केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें हम संशोधन करते हैं तो संसद केवल वही संशोधन कर सकती है जिसमें किसी भी प्रकार से हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट ना हो, मूल ढांचा नष्ट ना हो। यदि मूल ढांचा नष्ट होता है तो उस संशोधन को अमान्य या समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा 9वें प्रश्न में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? भारत की विदेश नीति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? शायद आज की क्लास उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है जो मध्य प्रदेश वर्ग दो का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश वर्ग दो का अध्ययन नहीं भी कर रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो यहां पर आपका आंसर आएगा, चलिए पहले हम लोग एक एक आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 280 ये है भारत के फाइनेंस कमीशन से संबंधित, भारत के वित्त आयोग से संबंधित। अनुच्छेद 312 को आप देख ही लिए हो, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल। अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आर्टिकल और भारत की विदेश नीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा भारत की सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल जो है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51, यानी हमारे भारत की विदेश नीति से संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 51 और ये आएगा दोस्तों आपका भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। और दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन इनमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है
नहीं है। मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा, कौन जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। चलिए देखिए, मद्य निषेध, मद्य का मतलब किसी भी मादक पेय पदार्थों के सेवन पर राज्य प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 के तहत। और पूछा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वो आर्टिकल नहीं होगा जो अनुच्छेद 36 से 51 तक की श्रेणी में नहीं आएगा, और 47 तो अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में आएगा, तो मद्य निषेध ऑप्शन से हट जाएगा। दूसरा, गौ संरक्षण, तो दोस्तों गौ संरक्षण का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, हालांकि पशु हत्या का निषेध करता है। पर्यावरण संरक्षण, आर्टिकल 48A, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45। ओके दोस्तों, गौ संरक्षण को हम यहां पर, चूंकि ये वाला ऑप्शन मिल गया है, इसलिए हम गौ संरक्षण को पशु हत्या के तौर पर देख सकते हैं। ओके, आर्टिकल जो है 48 में ही, क्योंकि यहां पर पर्यावरण का संरक्षण और जो है पशुपालन का उल्लेख किया गया है। लेकिन 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 21 में है और अनुच्छेद 51A के में है, अनुच्छेद 51A के में है, इस तरीके से दो ही आर्टिकल में है। यहाँ 21 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, और यहाँ पर मूल कर्तव्य में आता है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक, मूल कर्तव्य में। अनुच्छेद 45 में दिया गया है, 45A में दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को, यानी 6 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को उचित देखभाल तथा उनके संरक्षण का ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही माना जाएगा, 11वें प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों, इस क्लास की लिंक उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हों, जो वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को जो है सोशल साइंस वर्ग 2 से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी के सारी समाप्त की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले इस चीज़ का। बुंदेली मास्टर चैनल आपकी शिक्षा के लिए और आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहेगा, हमेशा समर्पित रहेगा, और पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ हमारे पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी इस चैनल से लाभान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक। और आज हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं, कल से फिर से अपना जो निर्धारित समय है 5 बजे, आपसे कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है विदा लेते हैं आपसे, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग दोस्तों।